चलिए अब कहानी आगे शुरू करते हैं। टोनी, मारो मुझे, मैं तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे और मत काटना। डेक्स सोचता है तोहफा तैयार है और मौत भी मांग रहा है। मेरे पसंदीदा औजार भी यही है। वो चाहता है कि मैं इसे खत्म कर दूं, लेकिन मेरा दोस्त शायद मुझे पूरी तरह से जान नहीं पाया। मैं टोनी को मार नहीं सकता, न हैरी और न मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहते। तभी डेक्स को ऊपर विंडो से आवाज सुनाई देती है और डेक्स ऊपर देखता है जहाँ से डेक्स की तस्वीर लेकर कोई भागा था। डेक्स उसके पीछे भागता है लेकिन उसे सीढ़ियों पर एक फोटो मिलती है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में एक लेडी डेब को आकर एक मैसेज देती है। वो मैसेज एक स्लिप पर था जिस पर टोनी और हॉस्पिटल का नाम लिखा था। कुछ देर बाद पुलिस टोनी को बचा लेती है। डेब और डेक्स वही हॉस्पिटल के बाहर थे। कैप्टन डेब से आकर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, पर मुझे तुम पर गर्व है। तभी मारिया वहां आती है और उसे पता चलता है कि टोनी जिंदा है। मारिया बटिस्टा को कहती है, बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे किलर के खिलाफ कोई ना कोई सबूत चाहिए। मारिया टोनी और उसकी माँ को एक साथ देखकर मुस्कुराती है। और हमारा डेक्स्टर मॉर्गन अपनी गाड़ी में बैठा सोच रहा था, हम सभी कभी ना कभी अपनी सच्चाई छुपाते हैं, कभी ना कभी हम अपने आप को बहुत दबा लेते हैं। अब हमें डेक्स अपनी ब्लड कलेक्शन के पास दिखता है और सोचता है, शायद मैं वो कभी नहीं बन सकता जो हैरी चाहता था, लेकिन मैंने आज टोनी को नहीं मारा। मेरे दोस्त को लगा था कि मैं टोनी को मार दूंगा, पर मैंने उसका तोहफा ठुकरा दिया। इसके बाद डेक्स्टर उस तस्वीर को आग लगा देता है जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी। यह तस्वीर तब ली गई थी जब डेक्स टोनी के पास खड़ा था। अगले दिन डेक्स एंजल हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाता है जहां कल रात टोनी मिला था। इधर जेड होटल में रीटा को उसकी कोवर्कर जेलिना दिखती है। जेलिना काफी उदास थी और रीटा उसे एक तरफ ले जाकर उसकी उदासी का कारण पूछती है। जेलिना बताती है कि उसका फियांसे बिना डॉक्यूमेंट्स क्यूबा से यहाँ आने वाला था, लेकिन वो अभी तक गायब है। इसके बाद रीटा ये बात डेक्स्टर को बताती है और उसे जेलिना की मदद करने को कहती है। इसके बाद डेक्स जेलिना के फियांसे को ढूंढने लग जाता है। उसे पुलिस से पता चलता है कि एक आदमी बिना डॉक्यूमेंट्स वाले माइग्रेंट को पकड़ लेता है और उन्हें आजाद करने के लिए उनके घर वालों से पैसे मांगता है। जो पैसे नहीं देता वो गायब हो जाता है। डेक्स पूछता है, वो आदमी कौन है? पुलिस बताती है, हमें 4-5 क्यूबन्स पर शक है। इसके बाद डेक्स जॉर्जी के यार्ड के बाहर दिखता है। वो जहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया था कि कहीं जॉर्जी माइग्रेट को गायब तो नहीं कर रहा। डेक्स यार्ड में जॉर्जी को मिलता है जो उसे जहाँ आने का कारण पूछता है। डेक्स कहता है, मैं कार्स के कुछ पार्ट्स देख रहा था। जॉर्जी कहता है, मैं किसी एक को नहीं कंपनी को बेचता हूँ। डेक्स, क्या तुम अकेले जहाँ काम करते हो? जॉर्जी, हाँ, इसमें मेरे काफी पैसे बच जाते हैं। इसके बाद जॉर्जी डेक्स को बाहर जाने को कहता है। दूसरी तरफ डेब हॉस्पिटल में टोनी से किलर के बारे में पूछने जाती है, लेकिन टोनी को अभी तक होश नहीं आया था, जिस कारण वो निराश होकर उसी के कमरे के बाहर आकर बैठ जाती है। दरअसल डेब टोनी के होश में आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे टोनी से किलर के बारे में कुछ पता चल सके। रात को डेक्स चोरों की तरह जॉर्जी के यार्ड में आता है और आते ही कार्स को देखकर सोचने लग जाता है, पता नहीं अमेरिकन्स को कार का इतना जुनून क्यों है। इसके दिन बीच पर एक लाश मिलती है और पुलिस डेक्स को इस अनजान लाश के बारे में बताती है। फिर डेक्स रीटा और जेलिना के साथ लाश की पहचान करने हॉस्पिटल में आता है। जेलिना और रीटा अंदर जाती हैं और डेक्स बाहर खड़ा रहता है। लाश जेलिना के फियांसे की ही थी जिसे देखकर जेलिना रोने लगती है। दूसरी तरफ टोनी को हॉस्पिटल में होश आ चुका था। जेम्स और डेब उसके पास ही थे। जेम्स कहता है, किलर के बारे में बताओ। टोनी, उसने मुझे पीछे से पकड़ा था और उसने मास्क भी पहना था। जेम्स, उसकी ऊंचाई, कद काठ, कुछ तो बताओ। टोनी, वो एवरेज कद काठी का था। जब उसने मेरे हाथ पैर काटे तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। डेब पूछती है, उसके बोलने का अंदाज कैसा था? टोनी, वो ज्यादा बात नहीं करता था। अब हमें डेक्स दिखता है जो जॉर्जी पर नजर रखे हुए था। पुलिस डिपार्टमेंट में मुसुका को एक बेडशीट पर शक था जो उन्हें हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिली थी। उन्हें लगता है कि टोनी किलर के बारे में जरूर कुछ जानता है जिसे वो पुलिस को नहीं बताना चाहता। दरअसल मुसुका को लगा था कि बेडशीट पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, पर उनके पास पूरी बेडशीट नहीं थी क्योंकि कुछ बेडशीट का हिस्सा तो बेसमेंट में चूहों ने ही कुतर दिया था। अब डेब और जेम्स पूछताछ के लिए फिर से टोनी के पास आते हैं। डेब, तुम्हें कुछ तो याद होगा। टोनी, कुछ नहीं। जेम्स, इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कोशिश करते हैं। इसके बाद डेब जेम्स की टाई टोनी की आंखों पर बांध देती है। टोनी अब बताता है, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, लेकिन मुझे मेंथॉल की स्मेल आई थी, जैसे खांसी की दवा। वो बार बार अपना गला साफ करता था और विक्स जैसी कैंडी भी खाता था। दरअसल जेम्स का मानना था कि अगर टोनी को बेसमेंट का माहौल दें तो शायद उसे कुछ याद आ जाए जिससे वो किलर तक पहुँच सके और उसे गिरफ्तार कर सके। अब जेम्स, डेब और मसूका फिर हॉस्पिटल के बेसमेंट
डिपार्टमेंट में जाते हैं। मसूका को चूहों के बिल में एक कैंडी रैपर मिलता है। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में सभी खड़े थे और मसूका को देख रहे थे, जो कैंडी रैपर की जांच कर रहा था। डेक्स वहां आकर बटिस्टा से पूछता है, क्या चल रहा है? बटिस्टा, किलर का कैंडी रैपर मिला है। डेक्स, कैंडी रैपर? डेक्स मन में सोचता है, मेरा पसंदीदा सीरियल किलर कैंडी खाता है, वो कैसा आदमी है? टोनी को देखकर तो लगा था कि वो इंसानी हिस्से खाता होगा। अब हमें जॉर्जी अपने यार्ड हाउस में दिखता है, जहां वो अंडरकवर माइग्रेट को बैन से निकालकर एक शेल में लॉक कर रहा था। इसके बाद उसे यार्ड पर कुछ कैंडल्स जलती दिखती हैं। वो उन कैंडल्स को देखता देखता एक ट्रेलर के पास आ जाता है। जब वो उस ट्रेलर को देखता है तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें लगी थी, जो तस्वीरें मरे हुए लोगों की थी। वो ट्रेलर के अंदर आकर उन तस्वीरों को देखने लगता है कि तभी डेक्स पीछे से आकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन उसी पल जॉर्ज की वाइफ वैलरी यार्ड में आ जाती है। वो जॉर्जी को पुकारती है, पर कोई जवाब न मिलने पर वो अपनी गन निकाल लेती है। वो शेल खोलती है तो एक क्यूबन औरत उस पर झपटती है। जॉर्जी की वाइफ उसे धकेल कर फिर से शेल को लॉक कर देती है। डेक्स पीछे खड़ा सोच रहा था, अद्भुत, क्या जोड़ी है इनकी। यही है असली कपल, जो प्यार और जुर्म दोनों मिलकर करते हैं। इसके बाद डेक्स दोनों को अपने किलिंग रूम में ले जाता है, जो डेक्स ने वहीं ट्रेलर में बना रखा था। डेक्स उनसे कहता है, वैसे तो मैं अपनी योजना कभी भी बदलता नहीं, लेकिन मैं परफेक्ट कपल का दिल नहीं तोड़ना चाहता। तुम दोनों अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। वैलरी कहती है, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। अब डेक्स उन दोनों को मारने ही वाला था कि तभी वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहने लगते हैं। डेक्स कंफ्यूज होकर बैठ जाता है और उनसे पूछता है, शादी को कितने साल हुए? वैलरी, 12 साल। डेक्स, कितना प्यार है तुम दोनों में? जॉर्जी, हम एक साथ जीना चाहते हैं। वैलरी, हम एक साथ रहना चाहते हैं। डेक्स, यानी हर चीज एक जैसी ही करना चाहते हो। इसके बाद डेक्स दोनों को एक ही हथियार से एक ही तरीके से मार देता है। अब डेक्स उनकी लाश के टुकड़ों को लिफाफे में डालकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख रहा था और सोच रहा था, मुझे हर काम सही से करना अच्छा लगता है। डेक्स अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन वहीं एक पुरानी गाड़ी की डिग्गी में से उसे कोई देख रहा था। अब डेक्स हमें समुद्र के बीच एक बोट पर देखता है। पहले वो जॉर्जी की लाश को पानी में फेंकता है, जिसके उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर वो वैलरी की पूरी लाश को पानी में फेंकता है, जिसे वो समय ना होने के कारण काट ना सका। अगली सुबह डेक्स रीटा के घर बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे एक फोन आता है और वो चला जाता है क्राइम सीन पर। क्राइम सीन जॉर्जी का यार्ड हाउस था, जहां कल रात उसने जॉर्जी और उसकी वाइफ का शिकार किया था। डेक्स डर जाता है और सोचता है, मुझे दोनों को एक साथ नहीं मारना चाहिए था, मेरे पास समय भी कम था। फुटप्रिंट्स, खून का धब्बा, कुछ तो छोड़ा होगा जहां मैंने। क्राइम सीन में लाश उसी ट्रेलर में थी जहां डेक्स ने कल रात दो दो कत्ल किए थे। डेक्स धीरे धीरे अंदर जाता है तो सामने जॉर्जी की वाइफ की लाश थी, जिसे देख डेक्स सोचता है, नामुमकिन, ये उसी का काम है, यानी वो मुझ पर नजर रखता है। लाश के पास जेम्स और डेब भी थे। डेक्स के आने के बाद वो उसे काम करने को कहकर खुद बाहर चले जाते हैं। अब डेक्स ध्यान से देखता है और सोचता है, उसने लाश के लिए 100 फीट तक गोता लगाया, मेरा दोस्त तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मसूका भी आकर लाश की जांच करता है। मसूका कहता है, क्या ये निडल का निशान है? डेक्स, नहीं, किसी कीड़े ने काटा लगता है। डेक्स को पता था कि ये निडल का निशान उसी के इंजेक्शन का था। मसूका उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। डेब, जेम्स और मारिया उसी शेल की छानबीन करते हैं जहां जॉर्जी माइग्रेट को लॉक करके रखता था। डेब को नीचे जमीन पर एक नाम मैरियल और एक नंबर लिखा मिलता है। जेम्स कहता है, इसे बटिस्टा चेक कर लेगा, और तभी बाहर से एक पुलिस वाला उन्हें बुला लेता है। अब वो तीनों एक गाड़ी की डिग्गी की तरफ बढ़ रहे थे। ये वही डिग्गी थी जिसमें कल रात डेक्स को कोई देख रहा था। जेम्स जैसे ही डिग्गी खोलता है तो उसके अंदर एक क्यूबन लड़का था। जेम्स उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। तभी मारिया वहां आकर उससे क्यूबन भाषा में बात करती है और उसे गले लगाती है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में जेम्स और डेब आते हैं। बटिस्टा उन्हें बताता है कि मैंने मैरियल को ढूंढ लिया है और वो एक क्यूबन रिफ्यूजी है, वो जल्दी ही जहां आ जाएगी। फिर मैरियल वहां आती है और उनको बताती है कि जॉर्ज और वैलरी क्या क्या करते थे और कल रात किसी ने शेल को बाहर से खोलकर उन्हें आजाद कर दिया था। दूसरी तरफ डेक्स और मसूका अपनी ही बातों में लगे थे। तभी रीटा डेक्स को फोन करके बताती है कि मेरा पति पॉल जेल से बाहर आ चुका है और वो एस्टर की बर्थडे पार्टी में आना चाहता है। डेक्स कहता है, मैं अभी बिजी हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। दरअसल डेक्सटर खुद अंदर से बहुत डरा हुआ था। वो बटिस्टा से जाकर मारिया के बारे में पूछता है। बटिस्टा, वो क्यूबन बच्चे को लेकर आ रही है। डेक्स, क्यों? बटिस्टा, एक स्केच बनवाना है। लड़के को लगता है कि किसी भले इंसान ने उसे शैतानी औरत से बचाया है। डेक्स, वैलरी से? बटिस्टा, लगता तो यही है।
अब हमें डेक्स जॉर्जी के यार्ड में दिखता है, जो उसी गाड़ी के पास खड़ा सोच रहा था जिसमें क्यूबन बच्चा था। ज्यादातर सीरियल किलर तो पकड़े जाते हैं, लेकिन मेरे साथ इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता। फिर डेक्स गाड़ी की डिक्की में बैठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि मैंने वैलरी को जब इंजेक्शन दिया था तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा था। डेक्स सोचता है उसने मुझे देख लिया, भले इंसान को। इसके बाद डेक्स रीटा के घर में था। रीटा अपना काम कर रही थी और डेक्स मन में सोच रहा था, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, रीटा को बुरा लगेगा जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। मुझे रीटा पर तरस आता है, बेचारी का पति मुजरिम और दोस्त दो कदम आगे, सीरियल किलर। अब पुलिस डिपार्टमेंट में मारिया उस क्यूबन लड़के को ले आती है। बटिस्टा और मारिया उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी तक डरा हुआ था। मारिया उसे प्यार से कुछ खाने को देती है, फिर वो लड़का मारिया की गोद में ही सो जाता है। कुछ देर बाद डेक्स उनके पास आता है और मारिया उसे बताती है कि हम लड़के से धीरे धीरे स्केच बनवा रहे हैं क्योंकि वो काफी डरा हुआ है। डेक्स वहीं पड़ा स्केच उठाता है और अपनी आंखों को बना देखकर हैरान हो जाता है। डेक्स अब अपने सारे औजार समुद्र में फेंक रहा था और सोच रहा था, जब स्केच बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं कहीं भी छुप नहीं सकता, अगर मुझे बचना है तो सारे सबूतों को खत्म करना होगा। सीरियल किलर से लोग तो डरते हैं, लेकिन पुलिस के लिए मैं सिर्फ एक अपराधी हूँ। आखिर में डेक्स अपनी ब्लड कलेक्शन को भी फेंकने लगता है। वो अपने इकट्ठे किए सारे सैंपल्स को देखता है, तभी उसकी नजर वैलरी के ब्लड सैंपल पर पड़ती है जिस पर स्माइली बनी हुई थी, जिसे देख डेक्स सोचता है वो मेरी मदद करना चाहता है।